जिसके चलते दबंगों ने घर में घुसकर फायरिंग और मारपीट कर दी, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला कला निवासी 40 वर्षीय संतोष पुत्र रामेश्वर दयाल राजपूत व उसका 20 वर्षीय पुत्र सुरजीत घर पर था। संतोष ने बताया कि प्रधानी चुनाव में वोट न देने की खुन्नस में दबंगों ने घर पर ही आकर हमला कर दिया और मारपीट के साथ ही धारदार हथियार से हमला बोलने के साथ ही फायरिंग कर दी, जिसमें संतोष व उसका पुत्र सुरजीत गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें लहलुहान हालात में लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी होने पर सीओसीटी नितेश कुमार कोतवाल, वेद प्रकाश पांडे आदि फोर्स के साथ मौके पर आ गए और जांच की। सीओसीटी ने बताया कि जांच की जा रही है, लेकिन तहरीर मिलने पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। नाम है तुम्हारा? सुरजीत राज। क्या मामला था गांव में? मामला कुछ नहीं, हमारे पिताजी छत पे रोटी खा रहे थे और भाई से जो भी इन्होंने हमें कल मारा था बारात में, तो वहाँ से चले आए पिताजी हमारे। उन्होंने कहा कल मैं हथियार नहीं, दूसरी बारात में गए थे, इसीलिए उन्होंने बोला कि क्यों मारा, ये जो ये भी एक दो गाली दे के चले गए। पिताजी हमारे छत पे आ गए, खाना खाने लगे और इन्होंने अपने गेट लगाए सभी अपने घर पे, और बाद में इकट्ठा एकदम होके सभी आ गए और छत पे हमारी एकदम। कौन सी गाँव का मामला है? नंगला किला। नंगला किला किन कौन कौन लोग थे? आखिर लड़ाई का झगड़े का वजह क्या है? झगड़ा इलेक्शन जब से हुआ जब तक वो बहुत ज्यादा हमें बहुत परेशान भी करते हैं और पैसे भी बहुत जलते हैं। नहीं, वो क्या प्रधान है क्या है? प्रधान थे नहीं, खड़े हुए मोहल्ले में है, हमने उनको वोट नहीं दिए। जीते हारे? वोट हार गए, उनके वोट निकले थे वो हार गए, इसीलिए तब से वो पास ही में पड़ोसी बिल्कुल सामने घर है, इसीलिए बहुत ज्यादा जलते हैं। हमने खुलेआम अपना वोट दिया, जिसको दिया दसवीं बजे से। ये कितने लोग घायल हुए आपके घर में? हम हुए पापा और हमारे छोटे छोटे भाई, छोटे उनके डंडे अंडे लगे हुए, तब ने पापा जी के उनके गोली मार दी, हमारे टकोरा मारा, डंडे भी बहुत मारे। सर नगला कलार में गोली मार के पिता पुत्र घायल हुए हैं, क्या है पूरा मामला? नगला कला में अभी थाना फरुखाबाद के अंदर ही गाँव पड़ता है, लगभग 9 बजे की सूचना है कि संतोष कुमार और उनके बेटे सुरजीत दो लोग इसमें घायल थे। इसमें संतोष कुमार को कंधे के ऊपर गोली लगी है और संतोष के उनके जो बेटे हैं सुरजीत, उनके सर में टपला टाइप का उसको लगा हुआ है। तो इस पर दोनों यहाँ गंभीर स्थिति में लाए गए थे, उनका उपचार किया जा रहा है, ऐसे खतरे से बाहर है, लेकिन उनके बेटे को भी अभी अच्छे वगैरह करने के लिए रेफर किया। बेटे का कहना है कि अन्य परिजनों के साथ भी मारपीट हुई है, चुनावी रंजिश का मामला है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बात कही है कि ऐसी बात है और चुनावी रंजिश का मामला है। इससे पहले उन्होंने ये भी बताया है कि कल एक दिन पहले वो वहाँ शादी बारात में गए थे, जिनका आरोप है उनके यहाँ भी कुछ डॉक्टर हुई थी और उसको लेकर उन्होंने बताया कि अभी घटना हुई है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस वैधानिक कार्रवाई की है, मौके पर आदमी के लिए मेडिकल किया और संबंधित गाँव में पहुँचे हैं, वहाँ पहुँच गए और संबंधित को जो भी है उनको उठाया जाएगा, जाँच की जाएगी, जो संबंधित होंगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।